हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पॉपुलेशन की इस क्लास में। हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस प्री और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के तहत प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी से रिगार्डिंग जो जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको तैयार कर रहे हैं। आज हमने जनघनत्व टॉपिक को लिया है और जनघनत्व क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और किस किस राज्य की क्या क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जनघनत्व होता क्या है। देखिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन होती है, व्यक्तियों की जो टोटल जनसंख्या होती है उसको हम जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर रेंज में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनघनत्व बोलते हैं। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में डेंसिटी कितनी ज़्यादा, अगर लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे जनघनत्व ज़्यादा होगा, अगर उस क्षेत्र में लोग कम रहते हैं तो जनघनत्व क्या होगा, कम होगा। जैसे आप समझते होंगे कि दिल्ली जैसे शहर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ पर जो जनघनत्व होगा वो ऊंचा होगा। वहीं अगर आप बात करो कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वहाँ पर केवल 2 या 4 लोग होंगे, 15-20 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो दिल्ली का जनघनत्व ज़्यादा है, जन का मतलब लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश में लोगों की डेंसिटी कम है। तो इस शब्द से ही अगर हम आइडिया लगाएं तो जन का मतलब है जनता, लोग हैं, और घनत्व का मतलब है डेंसिटी। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जिस एरिया में उसकी डेंसिटी जनघनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी तो इस एरिया का जनघनत्व क्या होगा, कम होगा। अगर कंट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरे देश का जो एवरेज जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, तो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में लोग रहते हैं। अब ये चीज़ है कि ये पूरे देश का एवरेज है, तो जब आपसे पूछा जाए कि पूरे देश का जनघनत्व कितना है, कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व है तो वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात समझ लीजिएगा, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे रहते हैं। अब पिछले के मुकाबले में 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई, जैसे कि जब इससे पहले 2011 से पहले 2001 में हुई, ठीक है, उससे पहले 1991 में हुई, तो 2001 से 2011 के बीच में कितना अनुपात बढ़ा, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ी है तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा, तो 57 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में बढ़ गए हैं। तो जो 10 सालों में जो वृद्धि हुई है 2001 के आंकड़ों के मुकाबले में 2011 में 57 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पे बढ़ गए हैं। अब देखिए, शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य हमें फिर से वही करना है, नॉर्मल राज्यों में क्या स्थिति है मैक्सिमम की और मिनिमम की, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में भी हमें ये चीज़ देखनी है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार का। किसका है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार। उससे कम जो है पश्चिम बंगाल का है, उससे कम केरल का है, और चौथे नंबर पर, देखिए यही प्रश्न फरवरी में आया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो यही प्रश्न आया था जिसमें अंतिम दो जो राज्य थे उनमें फेरबदल था। ठीक है, अंतिम दो जो राज्य थे उसमें फेरबदल था, जहां पे उत्तर प्रदेश एक ऑप्शन में तीसरे स्थान पर था और एक ऑप्शन में चौथे स्थान पर था। तो जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, वहीं केरल तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पश्चिम बंगाल, और प्रथम स्थान पर कौन है, बिहार है। इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लेते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन। सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, उससे अधिक मिजोरम में, उससे अधिक सिक्किम में, और उससे अधिक नागालैंड में। देखिए, हमने अंतिम चार लिए हैं, क्यों, क्योंकि उसका कारण ये है कि अब विकल्प में चार राज्यों का ही क्रम पूछा जाने लगा है, एक राज्य सिंगल राज्य सिंगल स्टेट नहीं पूछते हैं, तो 3 राज्य या 4 राज्य आपको तैयार करके जाने ही पड़ेंगे, ताकि अंतिम वाले में, जैसा कि इस बार इस प्रश्न में हुआ था, ये जो प्रश्न आया था फरवरी में आरओ के एग्ज़ाम में, उसमें अंतिम दो राज्यों में फेरबदल था। ठीक है, तो हमें उसी के अनुसार तैयारी करनी है, ताकि कोई भी इस तरह का जनसंख्या का प्रश्न आए तो ऐसा ना हो कि वो प्रश्न हमसे छूट जाए। शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो दिल्ली का है, और ओवरऑल अगर हम बात करें, जब हम केंद्र शासित और ये दोनों हटा देते हैं राज्यों में, तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा निकलेगा। तो केंद्र शासित के मामले में सबसे ज़्यादा किसका है, दिल्ली का, उससे कम चंडीगढ़ का, उससे कम किसका है,
आपका जो है पौंडीचेरी का, और चौथे नंबर पे नंबर आता है किसका, दमनदीप का। तो शीर्ष जनमत के मामले में केंद्र शासित में दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी और दमनदीप, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी और दमनदीप। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित राज्य कैसे होंगे। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनघनत्व है अंडमान निकोबार का। सबसे कम जनघनत्व किसका है, अंडमान निकोबार का। उससे अधिक किसका है, दादरा नगर हवेली। उससे अधिक जो है वो दादरा नगर हवेली का है, और उससे अधिक किसका है, तीसरा सबसे सर्वाधिक है, तीसरे नंबर का जो सर्वाधिक है वो लक्षद्वीप है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले अगर केंद्र शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे कम अंडमान निकोबार का, उससे अधिक दादरा नगर हवेली, और उससे अधिक किसका है, लक्षद्वीप का। तो यहाँ पर ये चार जो स्टेट्स हैं, चार खंडों में हमने इसको करा, ठीक है। शीर्ष जनगणत वाले नॉर्मल राज्य, न्यूनतम राज्य और केंद्र शासित में विभाजित किया, और दोनों के सब पार्ट भी हमने देख लिए। तो आप इनके नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से ये नोट्स तैयार हो सकें, और जनसंख्या से निश्चित आपके प्रश्न आएंगे, मिनिमम 2 प्रश्न और अधिकतम 4 से 5 प्रश्न आपको जनसंख्या के देखने को मिलेंगे। भारत की जनसंख्या से संबंधित आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। हम इस सीरीज को अलग अलग खंडों में तैयार कर रहे हैं, तो आप इसके साथ बने रहिए और इसका लाभ लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।